जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उद्धव ठाकरे ने दिया बीजेपी को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो इस रक्षाबंधन पर बिल्किसबानों से बंधवाओ राखी। जी हां, आए दिन देश में सत्ताधारी पक्ष भाजपा पर विपक्ष की ओर से कई हमले होते हैं, ऐसे में इसमें उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं है। जी हां, शिवसेना यानी UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NDA की बैठक में क्या हुआ। PM मोदी ने NDA के सांसदों से क्या कहा? उन्होंने कहा, इस बार मुस्लिम महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का आयोजन करें, मुस्लिम महिलाओं को राखी बांधने दें, आपको करना चाहिए, लेकिन मणिपुर की बहनों के बारे में भी सोचिए और उनसे भी राखी बंधवानी चाहिए। इस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सहित महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है। जी हाँ, आइए जानते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा है। बीजेपी को उद्धव ठाकरे की चुनौती, इस दौरान निशाना साधते हुए उद्धव यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कहा, बिल्किस बानो से राखी बंधवाओ, ऐसा रक्षा बंधन मनाओ। बिल्किस बानो जब गर्भवती थी तो उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सदस्यों को भी बलात्कार किया गया। मामले के सभी दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। हिम्मत है तो बिल्किस बानो से राखी बंधवाओ, यदि आपसे हिम्मत है तो मणिपुर में उन महिलाओं से राखी बंधाए जिन्हें सार्वजनिक रूप से नग्न घुमाया गया था। आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ गए क्योंकि बीजेपी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई भी बीजेपी के साथ नहीं था तब उनके पिता बाला साहेब ठाकरे मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, जी हाँ, बता दें उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का जिक्र कर विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया का उपहास उड़ाया था। इस बारे में ठाकरे ने कहा कि INDIA यानी इंडिया गठबंधन में ये वे पार्टी शामिल है जो लोकतंत्र और स्वतंत्र का गला घोटने वालों का विरोध करती है। उन्होंने कहा, जब PM मोदी विदेश में विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। क्या आप उनसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं या इंडियन मुजाहिदीन के प्रथम सेवक के रूप में? फडणवीस के अंदर है औरंगजेब। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक में बजरंगबली की गदा से उन्हें चोट लगी, अगर महाराष्ट्र में ये औरंगजेब का जाप करते रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमें औरंगजेब के अनुयायी नहीं चाहिए। आप गृह मंत्री हैं, आप नहीं जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या गतिविधियाँ हो रही है, तो आप गृह मंत्री क्यों है? आज मैं आपको बता दूँ कि औरंगजेब अभी भी जीवित है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक औरंगजेब है जिसने शिवसेना को विभाजित किया, एक औरंगजेब है जिसने NCP को विभाजित किया। फडणवीस औरंगजेब आपके अंदर ही है। जी हाँ, आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे बीजेपी के कैंडरों पर दया आती है क्योंकि उन्हें पार्टी में आया राम की पूजा करनी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे मंत्री बन गए हैं जो आने वाले लोगों का रिकॉर्ड्स बनाकर रख रहे हैं, वो कितना बोझ उठाएंगे? उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, आप हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, उनके पास कोई सैनिक नहीं है, वे एक दूसरे को सेना बनाम और NCP बनाम NCP की तरह लड़ाते हैं, वे अब किसी को भी ले लेते हैं। उनकी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे के इस व्यक्ति के बहुत चर्चा हो रही है। राष्ट्रवादी भांडतील, परस्पर मरतील, माझ्या कपड्यावरती डाग नाही, आमची लॉन्ड्री स्वच्छ करणारे कपडे, उलट ज्यांचे कपडे धुवून पाहिजे असतील आमच्याकडे या। आणि आता तर काही लोक त्यांचे असे कपडे नसले तरी चालतील, आम्ही ते कपडे असले तरी चालतील नसले तरी चालतील असे यांचे यांचा पक्ष। आणि मुद्दामून मी एक बातमी घेऊन आलो आहे, आणि बातमी प्रिंट मीडिया तशी मला दिसली नाही, मी प्रिंट आउट करून घेऊन आलो, खरी असेल खोटी असेल पण ही बातमी सामनातली नाही। ही 2 ऑगस्टला आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये NDA खासदाराला, आता NDA बद्दल सुद्धा काय बोलायचं ते पण बोलतो नंतर, पण NDA खासदाराला पंतप्रधान मोदींनी काय सूचना दिल्या माहितीये?
या वेळेला रक्षाबंधन मुस्लिम भगिनींकडनं करून घ्या. ऐकलं तुम्ही? म्हणजे माझी बातमी खरी आहे ही सामनातली बातमी नाही. पाहिजे असेल तर त्याच्यावरती कोणाच्या पेपर मध्ये काय सगळं आहे याच्यामध्ये मुस्लिम भगिनींकडनं जरूर घ्या. पण त्याच्या आधी मणिपूरमध्ये ज्या महिलांची धिंड काढली गेली त्यांच्याकडनं पहिले बांधून घ्या. तुमच्या किंमत असेल गेल्या वर्षी अख्ख्या या 1,625 किती आता जगातला सगळ्यात अधिक लोकसंख्येचा आपला देश त्या संपूर्ण देशामध्ये एकच ताई आमच्या मोदींना मिळाली जिच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते ती भैया मेरे रक्षा के बंधन को निभाना. आणि मुस्लिम तरुणींकडनं जर का महिलांकडनं राखी बांधून घ्यायची असेल तर बिल्किस बानूकडनं बांधून घ्या. बिल्किस बानू गर्भवती होती त्यावेळेला तिच्या समोर तिची 3 वर्षाची किंवा 5 वर्षाची मुलगी तिला मारली तिच्या कुटुंबियांना मारलं तिच्यावरती अत्याचार केले आणि एवढंच नव्हे तर तिचे जे काही गुन्हेगार होते त्या गुन्हेगारांना गुजरात सरकारने सोडलं त्यांना मान सन्मान केला त्यांचं स्वागत केलं. जर हिंमत असेल तर बिल्किस बानूकडनं रक्षाबंधन करून घ्या. हे हिंदुत्व तुम्हाला मान्य आणि मी भाजपला का सोडलं ह्या हिंदुत्वाच्या थोतांडाला किंवा भुरसटलेल्या जे माझे आजोबा सांगायचे ढोंगावरती लात ढोंगावरती लात आणि अन्यायावरती प्रहार त्या ढोंगावरती मी लात मारून बाहेर पडलं आणि हिंदुत्वाचं ढोंग मला जमणार नाही. पण केवळ तुमची मतं पाहिजे केवळ समाजी ब्रिगेड पाहिजे केवळ हे पाहिजे अजिबात तसं करणार नाही. जसा मी आहे जे मला बाळासाहेबांनी सांगितले की उद्धव एक लक्षात घे आयुष्यामध्ये तू जसा आहेस तसा जनतेसमोर जा त्यांना आवडावा म्हणून केल्याची मुखवटा घालून जाऊ नको. राहुल गांधी ने बदला अपना ट्विटर प्रोफाइल. सदस्यता बहाल होने पर डिस्क्वालीफाई से वापस हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस नेता राहुल गांधी. जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता सोमवार को बहाल हो गई है. सदस्यता बहाल होने के बाद वो लोकसभा पहुंचे. इसी बीच उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर अपना प्रोफाइल बदला है. मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता वापस ले ली है. राहुल गांधी ने बदला अपना प्रोफाइल. राहुल गांधी ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है. उन्होंने अपने प्रोफाइल के बदल कर डिस्क्वालीफाई एमपी से वापस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर दिया है. प्रोफाइल बदलने के तुरंत बाद लोगों को ध्यान इस ओर गया. कांग्रेस ने सत्य की जीत बताई. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को राहत दी थी जिसके बाद लोकसभा सचिवालय में आज उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है. जी हाँ, सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य और भारत के लोगों की जीत बताई है. क्या मोदी सरनेम मामला? बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाने के बाद मई में राहुल गांधी को संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है. मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोष सिद्ध पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया. अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्ध के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू. तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ. नमस्कार. और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़.